वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड ही इज द रुकनुद्दीन फिरोज। चौथा शासक है ये स्लेव डायनेस्टी का, गुलाम वंश का, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है और मैं पहले भी बता चुका हूं कि दिल्ली सल्तनत में पांच वंश हैं। पहला वंश स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी और फिर लोदी डायनेस्टी। ये पांच डायनेस्टी हमें पढ़ने हैं दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके बाद इल्तुतमिश, ठीक है, इसको भी बहुत डिटेल में तीन वीडियो में हमने देखा है। इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक दो सवाल बन जाते हैं, इसलिए मैंने अलग से इस पे वीडियो बनाना जरूरी समझा। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, बच्चे अगर साथ में बना देंगे तो वहां पे क्या होता है, नहीं भी पढ़ाता तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे उसको छोड़ देते हैं, तो एक दो सवाल बनेगा यहां से, ठीक है। रजिया सुल्तान बड़ी पर्सनैलिटी है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। और ये जो वीडियो है आप कह सकते हैं कि रजिया सुल्तान को पढ़ने के पहले एक रजिया सुल्तान के इंट्रो के रूप में भी इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बलबन बड़ी पर्सनालिटी है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, यही चार बड़ी पर्सनालिटी है। इसमें भी आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीन बड़ी पर्सनालिटी है। रजिया के बारे में भी थोड़ी जानकारी हमें लेनी है और थोड़ी जानकारी हम नसीरुद्दीन महमूद के बारे में भी लेंगे, इसको दरवेश किंग कहते थे, कुछ बातें हैं जो कि जानना जरूरी है। और बलबन ने 20 साल तक इसी का शासन संभाला था, तो इसको भी वैसे हमें जानने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं रुकनुद्दीन फिरोज को, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो शासक हैं दिल्ली सल्तनत के, हाँ, ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी दिया है आपको। जितने भी शासक हैं, बस कहीं कई बार क्या होता है ना, क्रोनोलॉजी में पूछ देता है, या आपको रिवर्स ऑर्डर में, या आपको सीधे क्रम में उल्टे क्रम में पूछ देगा शासकों का नाम, तो कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसके लिए मैं ट्रिक अभी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम का, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण सबसे पहले होता है 712 एडी में, ठीक है। ये अरबों का आक्रमण था और ये सिंध वाले क्षेत्र पे होता है, ठीक है, ये सिंध वाले क्षेत्र पे आक्रमण ये होगा, यहां पर ये सिंध का जो क्षेत्र है आज का पाकिस्तान, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां पे होता है 712 एडी में। लेकिन ये सफल आक्रमण तो था और पहला मुस्लिम आक्रमण भी था, लेकिन इसके बाद भी भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती। उसके बाद दो और आक्रमण होते हैं, मुस्लिम आक्रमण, लेकिन ये मुस्लिम आक्रमण तो है, लेकिन ये तुर्क आक्रमण है और ये तुर्क अफगानिस्तान से आक्रमण करते हैं, ठीक है। इन्होंने अफगानिस्तान में है तो तुर्क, लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाई हुई है। तो दूसरा मुस्लिम आक्रमण और पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी के रूप में होता है, महमूद गजनवी का होता है, जो कि भारत में 17 रेड करता है, 17 आक्रमण करता है 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक, ठीक है, और बुरी तरह से भारत में को लूटता है, मंदिरों को लूटता है यहां पर, ठीक है। इसका मकसद भी धन संपत्ति, भारत के धन संपत्ति को लूटना था, सत्ता की स्थापना करना नहीं था भारत में, इसलिए इस बार भी मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं होती। लेकिन जब तीसरा तुर्क आक्रमण होता है, देखिए महमूद गजनवी का आक्रमण होगा यही गजनी से, अफगानिस्तान का ये गजनी है, जबकि जब मोहम्मद गोरी आएगा, दूसरा तुर्क आक्रमण और तीसरा मुस्लिम आक्रमण, ये इसका साम्राज्य गोर है, तो उस समय जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है तो ये गजनी भी गोर साम्राज्य के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी के रूप में तीसरा इन्वेडर आता है भारत में, तीसरा मुस्लिम इन्वेडर, और इसके बाद ये 1175 एडी से लेकर 1175 एडी से लेकर 1205 एडी तक इसके कई आक्रमण भारत में है, ठीक है। तो इसको भी हमने देखा, और मोहम्मद गोरी की डेथ जो होती है वो 1206 एडी में हो जाती है, 1206 एडी में, ठीक है। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे मोहम्मद गोरी ने अपने, जो कि मोहम्मद गोरी का बहुत ही प्रिय स्लेव था, गुलाम था, ठीक है, और भारतीय एक्सपीडिशन में, भारतीय अभियानों में इसका बहुत अहम रोल था, उससे इसने महत्वपूर्ण भारतीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी दे दी थी। ये दो अपोले से लेकर ये नॉर्थ इंडिया में जो है लाहौर और तक का क्षेत्र जो था, ये पूरा किसके पास था, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। तो
इसको जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन जब 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ होती है तो 1206 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो ये स्लेव डायनेस्टी फाउंड किया जाता है 1206 एडी में, ठीक है, 1206 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है और क्यूमर पे खत्म होता है, ठीक है, क्यूमर पे खत्म होता है। तो अब देखिए ये जो शासक हैं, इससे क्रोनोलॉजी से सवाल पढ़ना तो हमें रुकनुद्दीन फिरोज है, लेकिन चूंकि मैंने शासकों का नाम लिखा है तो इसको आप एक ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं, अब आज इस बार फिर राजस्थान बिहार में नसीरुद्दीन बाल कटाएगा क्यों, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा, यहां पे मैंने लिखा हुआ, देखिए अब से ऐबक, आज से आराम शाह, इस बार से इल्तुतमिश, फिर से फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज पूरा नाम कर लीजिएगा, उसके बाद राजस्थान से रजिया सुल्तान, बिहार बहराम शाह, उसके बाद में मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, बाल बलबन, ठीक है, कटाएगा कैकुबाद, क्यों क्यूमर। तो इस ट्रिक से, ये ट्रिक है इसको याद करने का, आप बिल्कुल बहुत आसानी से याद हो जाएगा, अब आज इस बार फिर राजस्थान बिहार में नसीरुद्दीन बाल कटाएगा क्यों, अब आज इस बार फिर राजस्थान बिहार में नसीरुद्दीन बाल कटाएगा क्यों, ठीक है, आपका पूरा क्रोनोलॉजी में याद रहेगा, ये जरूरी है। अब आते हैं हम रुकनुद्दीन फिरोज पे। देखिए जब इल्तुतमिश को हम पढ़ रहे थे, वहां मैंने बताया था कि इल्तुतमिश का शासन काल जो था वो 1211 एडी से लेकर 1236 एडी तक था। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान जो था वो 1236 का अभियान था, एक्सपीडिशन था, वो बामियान अफगानिस्तान में पड़ेगा, वो अंतिम अभियान था, वहां पे ये बीमार पड़ता है और फिर ये लौट आता है उस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ के, और फिर दिल्ली में इसकी मौत हो जाती है। एक बात और बता दूं कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही, इसको ये लगा था कि उसके जितने भी पुत्र हैं, जितने भी बेटे हैं, वो इनकॉम्पिटेंट हैं, अयोग्य हैं, सत्ता संभालने लायक नहीं है, इसलिए इसने अपने जीवन काल में ही अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी, अपना सक्सेसर बना दिया था, ठीक है ना, अपना सक्सेसर बना दिया था। लेकिन और ये उस समय मान भी लिया गया था इसकी बात को कि चलिए रजिया जो होगी आगे सक्सेसर होगी, लेकिन जब इसकी डेथ हो जाती है 1236 में, तो इसके डिसीजन को उलट दिया जाता है कोर्टियर्स और ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है, और इसके रजिया के खिलाफ कुछ षड्यंत्र होता है और इसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो गद्दी पे आ जाता है। तो रुकनुद्दीन फिरोज, देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ये कौन है, सन है इल्तुतमिश का, बहुत ही इनकॉम्पिटेंट अयोग्य, ठीक है, रूलर बनता है 1236 एडी में, टर्म इसका 7 मंथ्स का ही है, 7 महीने का इसका टाइम पीरियड है जब 7 महीने के लिए सुल्तान शासक बनता है, ठीक है। 1236 एडी, मैंने अभी बताया कि इल्तुतमिश का अंतिम अभियान जो था बामियान का था, अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में बामियान का अभियान था 1236 एडी में, ये बामियान के अभियान पे जाता है, वहां ये बीमार पड़ता है, उस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ता है, वापस लौटता है और दिल्ली में इल्तुतमिश की मौत हो जाती है। तो रूलर ये बन जाता है 1236 में 7 महीने के लिए। इसकी एक उपाधि है विलास प्रेमी जीव। अब देखिए ये सवाल आपको आया है कई बार, इसीलिए पढ़ाना जरूरी था, कई एग्जाम में पूछ दिया गया है, विलास प्रेमी जीव जो है वो किसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत में या गुलाम वंश में, तो आप कहेंगे विलास प्रेमी जीव की उपाधि जो है वो किसकी है, तो रुकनुद्दीन फिरोज की, क्यों भाई, सेंसुअल लाइफ पसंद करता था, विलासिता प्रेमी था, इनकॉम्पिटेंट, अयोग्य, बहुत ही ज्यादा अयोग्य, ये स्क्वांडर्ड मनी, छूट के पैसे खर्च किया, बेवजह का पैसे लुटाया इसने, धन लुटाया, ठीक है, तो ये इनकॉम्पिटेंट था, हाँ, राजकाज में इसको मन नहीं लगता था, तो राजकाज में जब इसको मन नहीं लगता था, सिर्फ पैसे लुटाने में रहता था, तो एडमिन इन द हैंड ऑफ, एडमिन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन किसके हाथ में था, शाह तुर्कान इसकी मदर थी, देखिए ये पैसे लुटाता था और शाह तुर्कान इसकी जो मां थी वो
शासन संभालती थी। अब शाह तुर्कान कौन थी समझ लीजिए, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, लेकिन पत्नी होने के पहले ये हरम की नौकरानी भी थी। हरम जो आप देखेंगे पुराने जमाने में जो ये मुगल थे या दिल्ली सुल्तान थे दिल्ली के, उन महिलाओं के लिए एक अलग जगह होती थी जहां महिलाएं रहती थी, उसको हरम कहा जाता था। ठीक है, तो हरम की मेड थी यानी कि नौकरानी थी, उससे शादी किया था इल्तुतमिश ने। अब बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी लेडी थी, ये देख रही थी कि मेरा बेटा जो है ये शासन तो संभाल नहीं पाता है, तो इसने शासन को अपने कब्जे में कर रखा है, प्रशासन को रजिया के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रही है हमेशा, इल्तुतमिश के बच्चों के खिलाफ, इल्तुतमिश की दूसरी पत्नियां जो थी उनके खिलाफ ये षड्यंत्र कर रही है। देखिए कुतुबुद्दीन एक था सन इल्तुतमिश का, उसको इसने ब्लाइंड करवा दिया। ठीक है, उसके बाद प्रोसिक्यूटेड हर को वाइफ्स एंड देयर चिल्ड्रन, इसके इल्तुतमिश की और भी पत्नियां थी उनके बच्चे थे, सबको इसने जान से मरवा दिया, किसी को कुछ सजा दे दी, किसी को जेल करवा दिया। तो ये सब चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं कि ये बहुत ही षड्यंत्रकारी लेडी है। ठीक है, और शाह तुर्कान जो है, तो ये सवाल आता है कि रुकनुद्दीन फिरोज के समय वास्तविक जो प्रशासन था या एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके हाथ में था, तो आप कहेंगे उसकी मां शाह तुर्कान जो थी वो थी उसके हाथ में था। शाह तुर्कान कौन थी, तो इल्तुतमिश की पत्नी थी। अब देखिए ये एक तो शाह तुर्कान षड्यंत्रकारी लेडी है, ठीक है, ये शासन संभाल नहीं पा रहा है, अयोग्य है, रिवोल्ट होना यानी विद्रोह होना स्वाभाविक है। एक रिवोल्ट इसके भाई का होता है जो कि अवध का गवर्नर है, ठीक है, ये ब्रदर है, यहां पर मैंने लिख दिया है रुकनुद्दीन फिरोज का ही भाई है गयासुद्दीन, इसका रिवोल्ट होता है। और ये क्या करता है बंगाल में, यहां बंगाल है, देखिए बंगाल जो है बंगाल वाला क्षेत्र, यहां पे पूरा लखनौती वहां पड़ता है, ये पूरा लूट लेता है बंगाल के क्षेत्र का, ट्रेजर जो है ट्रेजर को लूटता है और हिंदुस्तान के और कई पार्ट्स में ये लूट मार मचाता है और तबाही करता है। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गया बंगाल में, हाँ बंगाल को लूटता है, अवध अवध का गवर्नर है लेकिन ये बंगाल के ट्रेजर को लूट लेता है, ठीक है, खजाने को लूट लेता है और हिंदुस्तान के और कई पार्ट में ये तबाही करता है, लूटमार करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो गवर्नर्स हैं कहां के, ये सम्मिलित रूप से, जैसे हांसी का गवर्नर है, हांसी आज हरियाणा के क्षेत्र में है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप हरियाणा के क्षेत्र में, लेकिन आज उस समय ये पंजाब में पड़ता होगा, हांसी, हांसी यहां पर देखिए हांसी है, मुल्तान, सिंध के ऊपर आप जाएंगे ये पाकिस्तान वाले पंजाब में, यहां मुल्तान होगा। ठीक है, ये हम अच्छा ऐसे लिख देते हैं, ये हांसी, ये एच है यानी हांसी है, एच है यहां पर, ये उस समय के पंजाब और आज के हरियाणा में, ये आप देखेंगे तो ये मुल्तान, एम मुल्तान, लाहौर, ये देखिए ये जो लाहौर है यहीं पे लाहौर होगा, ये एल लाहौर। ठीक है, बदायूं, बदायूं, बदायूं कहां पड़ेगा, देखिए ये गंगा नदी, उसके बाद ये इसी तरह से देखेंगे तो ये यमुना नदी, यहीं पे आप बदायूं पड़ेगा, यहीं पे बदायूं पड़ेगा उत्तर प्रदेश में आज के, बदायूं यहां लिख सकते हैं, बदायूं लगभग बदायूं आप लिख सकते हैं, ये यहां पर आप इसको बी यानी कि बदायूं। ठीक है, उसके बाद देखिए अवध, अवध जो यहां पे था, अवध देखिए यही वाला क्षेत्र अवध का पड़ता है, ये अवध वाला क्षेत्र लगभग पड़ेगा, अवध लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र, यूपी में ही पड़ेगा, तो अवध का क्षेत्र, तो ये अवध जो है गयासुद्दीन ने जो था अवध का गवर्नर था, तो इसने जो रिवोल्ट किया था। तो देखिए मुल्तान, ये लाहौर, जरा ठीक से इसको लिख लीजिए लाहौर को, एल ये मुल्तान है यहां पर, ये मुल्तान है यहां पे, मुल्तान कर दिया, ये लाहौर है, ये हांसी यहां पे होगा, ऐसे लिख देता हूं मैं, ये हांसी है, तो ये बदायूं है, ये बंगाल है, तो ये अवध का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे, आपको मैंने लोकेशन भी बता दिया है कि ये कहां कहां है। ठीक है, हांसी आज का हरियाणा लेकिन उस समय का पंजाब, मुल्तान आज का जो पाकिस्तान है उस समय देखिए पंजाब में ही पड़ेगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ये सिंध के ऊपर मुल्तान, लाहौर ये लाहौर मैंने बता दिया कि पंजाब में पड़ेगा, बदायूं ये गंगा और यमुना नदी के
तो आपके पास ये बधाई पड़ेगा, ठीक है। अवध बताई दिया, अवध का क्षेत्र बंगाल, ये आपको सब कुछ पता चल गया। अब देखिए ये जो रिवोल्ट करते हैं ये सम्मिलित रूप से कंबाइंड रिवोल्ट करते हैं गवर्नर्स। अब क्या होगा कि रुकनुद्दीन फिरोज कैपिटल को छोड़ेगा, राजधानी को छोड़ेगा इन रिवोल्ट्स को से निपटने के लिए। इन रिवोल्ट से निपटना है तो रुकनुद्दीन फिरोज राजधानी छोड़ता है, कैपिटल छोड़ता है, और जब ये कैपिटल से बाहर जाता है तो रजिया पब्लिक में आती है। रजिया बाहर आती है पब्लिक के बीच में, और फ्राइडे प्रेयर का दिन है यानी कि जुमे का नमाज का समय है, और वो रेड रोब लाल कपड़े में आती है। देखिए रजिया फ्राइडे प्रेयर्स के दिन केम इन पब्लिक इन रेड रोब यानी कि लाल कपड़े में आती है। देखिए यहां पर रेड रोब यानी रेड रोब का मतलब लाल कपड़ा, रोब का मतलब कपड़ा होता है, ठीक है, लाल कपड़ा यहां लिख देता हूं, लाल कपड़े में आएगी और समर्थन मांगेगी किसका, लोगों का, पब्लिक का, लाल कपड़ा, ये पब्लिक का समर्थन मांगती है और कहती है कि भाई जो याद दिलाती है लोगों को कि इसके पिता जो थे इल्तुतमिश उन्होंने तो रजिया को नॉमिनेट किया था, इसलिए आप अपना समर्थन दीजिए, ये जो शासक बना हुआ है रुकनुद्दीन फिरोज ये और इसकी मदर इसने पूरी तरह से साम्राज्य में तबाही मचाई हुई है, दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश में, और ये जो वंश चल रहा है इसमें पूरी तरह से तबाही है, राज्य के लोग खुश नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से आप हमारा समर्थन कीजिए। तो रजिया को समर्थन मिलता है, ठीक है, शी गॉट सपोर्ट पब्लिक का भी, दिल्ली की जनता का भी, और आर्मी का भी यानी कि सेना का भी, और इसका रिजल्ट ये होता है कि शाह तुर्कान वॉज इम्प्रिजन, उसको जेल हो जाती है शाह तुर्कान को, और रुकनुद्दीन फिरोज की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रुकनुद्दीन फिरोज को मार दिया जाएगा, डेथ का मतलब इसका वध कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखते हैं कि रजिया जनता के सपोर्ट से शासक बनती है, सुल्तान बनती है, और ये पहली मुस्लिम सुल्तान होगी, मुस्लिम लेडी सुल्तान, ठीक है ना, महिला, प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान होगी भारत की, रजिया सुल्तान, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है ना। तो ये इसके बाद की जो पर्सनालिटी है वो रजिया सुल्तान की है, जिसको हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। अब इसमें जो सवाल बनेगा, रुकनुद्दीन फिरोज किसका बेटा था, तो छोटे मोटे एग्जाम में पूछ देता है, तो इल्तुतमिश का, ठीक है, शासक कब रहा 1236 ईस्वी में, छोटे एग्जाम है, लेकिन उपाधि पूछ देगा किसी भी बड़े एग्जाम में भी, विलास प्रेमी जीव किसे कहते हैं, ये सवाल बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया, सवाल आया भी है, ठीक है, कि विलास प्रेमी जीव किसे कहा जाता था, तो रुकनुद्दीन फिरोज को, ठीक है, ठीक है। शाह तुर्कान कौन थी, शासन किसके हाथ में था रुकनुद्दीन फिरोज के समय, तो शाह तुर्कान के हाथ में शासन प्रशासन था, ठीक है, सत्ता की बागडोर जो थी, ठीक है। शाह तुर्कान थी कौन, एक तो इसकी मां भी थी इल्तुतमिश की, वाइफ भी थी, ये सब ध्यान रखना है। कहां कहां रिवोल्ट हुए, तो एक तो अवध में, उसके अलावा ये रिवोल्ट का जो क्षेत्र है ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया ये ट्रिक, इससे सवाल बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार सवाल आता है कि सीधे क्रम में सजाएं गुलाम वंश के शासकों को, उल्टे क्रम में सजाएं, ठीक है ना, तो इससे आपको बिल्कुल याद रहेगा क्रोनोलॉजी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक, अब ऐबक आज, आराम शाह इस बार, इल्तुतमिश फिर, रुकनुद्दीन फिरोज राजस्थान, रजिया बिहार, बहराम शाह मे, मसूद शाह, नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बाल से बलबन, कटाएगा से कैकुबाद, क्यों से क्यूमर, सारे शासक आ गए यहां पर। अब आज इस बार फिर राजस्थान बिहार में नसीरुद्दीन बाल कटाएगा, फिर नसीरुद्दीन बाल कटाएगा क्यों, ठीक है, मेरे साथ बोल लीजिए, अब आज इस बार फिर राजस्थान बिहार में नसीरुद्दीन बाल कटाएगा क्यों, अब आज इस बार फिर राजस्थान बिहार में नसीरुद्दीन बाल कटाएगा क्यों, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको और क्रोनोलॉजी आपको याद रहेगा। तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।